हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे लॉगरिथम, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में लॉग, और लॉग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेबल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। स्टार्ट करते हैं हम कि लॉग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। टॉपिक है हमारा लॉग। आज का टॉपिक है लॉगरिथम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। तो आज हम देखेंगे ये लॉग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या इसकी ट्रिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, दो चार फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। ये दो से लेकर तीन फॉर्मूले जिसमें केमिस्ट्री के सारी लॉग वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला लॉग ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। सेकेंड लॉग ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी। एंड थर्ड लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स जो होता है वो आगे आ जाता है लॉग ए। ये तीन आइडेंटिटीज है जिससे हम पूरी केमिस्ट्री की सारी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो लॉग वैल्यू है ये थर्मो से लेकर इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स से लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला है। इसलिए आज हम इसकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे, किससे, लॉग टेबल से। तो ये तीन आइडेंटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम करते हैं लॉग वैल्यूज निकालना सीखते हैं। तो निकालने से पहले एक छोटा सा नोट या बोलने या ट्रिक याद होना चाहिए। जो लॉग टेन होता है, लॉग टेन की वैल्यू वन होती है, लॉग टेन की वैल्यू वन, लॉग हंड्रेड की वैल्यू होती है टू, लॉग वन थाउजेंड की वैल्यू होती है थ्री, और लॉग टेन थाउजेंड की वैल्यू होती है फोर। याद होना चाहिए, बाय चांस कहीं पे लॉग टेन आ रहा है कैलकुलेशंस में तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं लॉग 10 इज इक्वल टू 1। लॉग 100 2 कैसे होता है वो देख लो। लॉग 100 को हम लिख सकते हैं ना जैसे लॉग 10 की पावर 2, लॉग 10 की पावर 2, और लॉग a की पावर x हो तो आइडेंटिटी बोलती है x आगे आ जाएगा लॉग a बचेगा, यस और नो। देखो वही आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 आगे आ जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 क्या होता है 1, तो 2 बन जा 2। इसलिए लॉग 100 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2 के। लॉग 100 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सिंपली। तो सिमिलरली लॉग 3 की बात करें, 3 की मतलब होगा लॉग 3 कहां से आया 1000 से, 1000 को कैसे लिखते हैं देखो, ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं लिखना सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉग 10 की पावर 10 रेज टू द पावर 3 1000 को लिख सकते हैं, 3 आ गया आया log 10, log 10 1 होता है तो आंसर कितना आ गया 3। इसीलिए log जो 1000 होता है वो 3 होता है, और log 10000 किसके बराबर हुआ 4 के। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो यूज होगी log फाइंड आउट करने में, log फाइंड आउट करने में। वो बेसिक logs कुछ आपको याद होने चाहिए, जैसे log 10 कहीं पर आता है कैलकुलेशन में तो डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख देंगे, और log 100 2, log 1000 3 एंड log 10,004। अब इसके बाद कुछ और भी देख लो छोटी मोटी ट्रिक्स, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं लॉग की कुछ ट्रिक्स पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए तीन आइडेंटिटीज। अब कुछ लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन करते टाइम न्यूमेरिकल्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में टाइम बचता है, तो ये याद कर सकते हो, नहीं भी याद तो टेबल से तो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। लॉग 2, लॉग 2 होता है 0.3010, लॉग 3 0.4771, लॉग 4 0.6020, लॉग 2 का डबल हो जाता है लॉग 4 डबल। देखो 3010 का डबल हो गया 0.6020, ओके याद रखना। लॉग 5 0.6989, लॉग 6 0.7781,
0.7781। देखो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे लॉग टेबल में भी दिखेगी। हम इस लॉग टेबल से क्या करेंगे, लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज क्या करेंगे, लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये कुछ हमने लॉग की वैल्यूज लिखी है। ये वैल्यू इसलिए लिखी है अगर इनमें से कोई लॉग आता है, अगर आपको याद है और न्यूमेरिकल्स में कहीं पे यूज होता है तो उससे टाइम बचता है। ठीक है, बाकी तो हम टेबल से निकालना सीखेंगे आज। इससे क्या होगा, टाइम काफी बचता है हमारा। तो ये था लॉग 2, 3, 4, 5, 6। इसी टाइप से अगर लॉग 20, 30, 40, 50, 60 की कोई पूछे, लॉग 20, लॉग 30, लॉग 40, लॉग 50, लॉग 60, अगर आपको लॉग की ये वैल्यू याद दे तो वो भी वैल्यू याद हो जाएगी। इन सब के आगे वन लिख दो। लॉग 2 कितना था, 0.3010, तो लॉग 20 कितना हो जाएगा, 1 लग जाएगा सबके आगे, 1.3010, 1.4771, 1.6020, 1.6989, 1.7782, 8281। ठीक है, सबके आगे 1 लगा दिया। लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 20 अगर फाइंड आउट करोगे तो उसके आगे क्या लग जाएगा, 1। लॉग 30, लॉग 3, लॉग 30, लॉग 4, लॉग 40, क्या डिफरेंस है, बस सब पॉइंट से पहले सबके सामने क्या लग गया है, 1। तो ये तो था कुछ ट्रिक है, ट्रिक बोल लो या फिर आप याद कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे 2 और 40 एक दूसरे का क्या होता है, डबल। 2 का डबल कितना है, 4, 20 का डबल 40, बस आगे क्या लग गया है, 1। ये कुछ वैल्यूज थी जो आपको लोग याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद तो अब हम सीखेंगे लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं टेबल की हेल्प से। लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं, ये याद कर लेना, ज्यादा इजी पड़ता है एग्जाम में। ज्यादातर 0.5 तक की वैल्यूज आती है क्वेश्चंस में, इसलिए ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब लेते हैं क्वेश्चंस, हम रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि लोग हम पढ़ ही क्यों रहे, लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें यहाँ पर। देखो हमने छोटी क्लासेस में इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स करी है, जैसे सपोज एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 2, 5 raised to the power 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, 5 5 जा 25, यस और नो। ठीक है, कोई आपसे पूछे बताओ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो हमें पता है 5 into 5 into 5 ये हो गया 125, क्लियर। अगर कोई पूछता है x इज इक्वल टू 5 की पावर 125, ऐसे 1250, अब इसको सॉल्व करना एक तरह से इम्पॉसिबल है, जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है कि 5 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 1250 टाइम्स। इतनी बार मल्टीप्लाई हम कर ही नहीं सकते, करेंगे भी तो टाइम वेस्ट जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसी जब जहां पे कैलकुलेशन होना बंद हो जाए वहां पे हम किसको सॉल्व करते, क्या यूज करते, लॉग। लॉग की हेल्प और एंटी लॉग की हेल्प से हम ये सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पूछे 9 की वैल्यू पॉइंट, देखो 9 raised to the power है 0.123, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व होगा नहीं, यहाँ पे हमें लॉग और एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप की कैलकुलेशन जहाँ कैलकुलेशन होना बंद हो जाए, पावर्स बड़ी बड़ी, वहां पे हम लॉग और एंटी लॉग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, लॉग और एंटी लॉग का यूज। तो बेसिक जो पावर्स होती है छोटी मोटी उसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर्स ज्यादा बड़ी आ जाए या पॉइंट्स में आ जाए उस केस में हम लॉग और एंटी लॉग का यूज करते हैं। तो करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन लॉग का। सपोज करो एक्स इज इक्वल टू लॉग, लॉग निकालना सीख रहे अभी, ठीक है, नॉर्मल सा लॉग 273, ये एक वैल्यू है। तो बोला जाए कि बताओ लॉग फाइंड आउट करो टेबल की हेल्प से। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में होता है लास्ट में, तो वो टेबल मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा भी कैसे निकालते हैं वैल्यू। पहला रूल क्या होता है करते टाइम, ये वैल्यू है टेबल की हेल्प से हमें लॉग सॉल्व करना है। पहला देखो रूल होता है पॉइंट्स को हमेशा एक डिजिट के बाद लाओ। क्या करना है हमें, ऑलवेज पॉइंट को एक डिजिट के बाद लाना है। इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट यहाँ पर है 273.0, तो पॉइंट को हमें क्या लाना है, एक के बाद, मतलब लॉग 273। इस पॉइंट को मैं दो लेफ्ट में ले गया, और पावर पॉइंट को जब लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर ऐड होती है प्लस 2, तो लिख सकते हैं लॉग 273 into 10 raised to the power 2, यस और नो। पॉइंट को मैं दो लेफ्ट में ले गया हूं और पावर हो गया 2। पहला रूल, पहली ट्रिक, जो कि पॉइंट को हमें क्या लाना है, एक डिजिट के बाद।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लो log a into b, log a into b, मैंने बोला भी था यहाँ पे ये तीन आइडेंटिटीज है, इन्हीं में से सारे अप्लाईज होगी। log a into b फॉर्मूला होता है log a plus log b, log a plus log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a plus log b, ठीक है, log a plus log b। अगर मैं राइट वाली को देखू, बी को ये लिखा हो log 10 की पावर 2, ये देखो अभी अभी हमने सॉल्व भी कर रहा है, log 10 की पावर 2 हो रहा, log 10 की पावर 2 जो कि कितना होता है 100, आंसर क्या आएगा 2, जो कि आइडेंटिटी लग रही है log a की पावर x, कौन सी लग रही है log 10 की पावर 2, log a की पावर x। तो इस राइट वाले पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूं, ये आ रहा है देखो पावर आगे जाती है log 10, log 10 1 होता है तो ये आ गया 2, सिंपल सा। अब लेफ्ट वाला सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट यही है, क्या था हमारे पास डिजिट 2.73, 2.73 पहले हमें क्या करना है कि पहले पेयर्स बनाने, क्या बनाने स्टार्टिंग से पेयर्स, ये 27 का पेयर बना और इसका लॉग किस पे देखना है 3 का, हमें क्या करना होता है सबसे पहला रूल, एक के बाद पॉइंट करना है, एक के बाद पॉइंट आ गया, स्टार्टिंग जो जोड़े पेयर उसका नेक्स्ट डिजिट पे लॉग देखना है, क्या देखना है 27 का 3 पर लॉग, और 27 का 3 पर लॉग यहाँ पे देखो लॉग के कुछ पॉइंट से लेकर 27 का 3 पर, 27 का 3 पर, अगर मैं यहाँ पे देखू 27 का 3 पर तो मैं इसे हाईलाइट कर दू, 27 का 3 पर 4362 कितना है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा 4362, उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है 4362, ये लो बड़ा करके भी दिखा दू, ये रहा 27 का 3 पर 4362, 27 का 3 पर, ये 27 है 3 पर, 10 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3, 4362 कितना आ रहा है 4362, वापिस इसे बैक कर देते हैं, ठीक है 4362 कितना आ रहा है 4362, टेबल पे आ रहा है 27 का 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4362। अब जो भी ये वैल्यू आती है 0 पॉइंट करके लिखते हैं, 0 पॉइंट कैसे लिखते हैं 0 पॉइंट करके, 0.4362 जो भी वैल्यू होगी टेबल से 4362, ठीक है इसका आंसर कितना, इसकी वैल्यू कितना है 4362, और 2 पहले से ही चल रहा था प्लस में, 4362 को 2 से प्लस करा जाए तो क्या आंसर आएगा, यहां पर आंसर आएगा 2.4362, तो ये फाइनली हमारा आंसर, फाइनली हमारा आंसर। दोबारा देख लो, हमने 27 का 3 पर देखा जो कि लॉग टेबल है, सामने भी दिखाया गया था, आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे भी है, 27 का 3 पर देखना है, 27 का 3 पर देखा तो वैल्यू आ रही है 4362, जो भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट करके लिखना है 0.4362, और 2 उसमें चल ही रहा था ऐड हो जाएगा तो 2.4362 इसकी लॉग की वैल्यू। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि अगर इसके बाद एक और डिजिट हो, इसके बाद अगर एक और डिजिट हो तो उसका लॉग कैसे देखेगा, लॉग ले लेते 273, ये वैल्यू थी, चलो आगे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो 3। अब इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला वही पॉइंट कि क्या करना है हमें, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लाना है, ठीक है कॉन्सेप्ट सारा वही है, ऑलवेज विल अप्लाई होगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एक के बाद पॉइंट लाना है, तो एक के बाद पॉइंट लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2.733, और पॉइंट को मैं लेफ्ट में ले गया हूं 3, तो 10 की पावर 3। अब आइडेंटिटी लिए लग रही है लॉग a इंटू बी, जो कि होता है लॉग a प्लस लॉग b, log 10 की पावर 3 आइडेंटिटी लग रही है log a की पावर x, तो 3 आगे आ जाएगा log 10, और log 10 क्या होता है 1, तो ये तो आ गया 3। राइट वाला तो देखकर ही सॉल्व हो जाएगा, पावर्स मेन कॉन्सेप्ट है इसका कि पेयर्स बनाने होते हैं, इसका किस पे देखना होता है अगली डिजिट पे, 27 का 3 जो कि हमने यहाँ पर भी देखा था, 27 का 3 जो कि वैल्यू आ रही थी 4362, यहाँ पे लिख लेते थोड़ी देर के लिए 4362, बट यहाँ पे एक डिजिट और है इसके बाद 27 का, अगेन एक और डिजिट है, वो भी क्या है
थ्री। अब इस थ्री का क्या मतलब है अगला थ्री? तो अगर मैं लॉग टेबल की तरफ जाऊं तो लॉग टेबल में देखो आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा लॉग का। लॉग टेबल में यह काउंटिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद एक वैल्यू लिखी हुई है मीन डिफरेंस, ठीक है। जो अगली डिजिट होती है वो मीन डिफरेंस पे देखनी है। पहले हमने 27 का 3 पर देखा 4362, 27 का 3 पर देखा कितना 4362, अगेन 3 पे देखना है, ये थी मीन वैल्यू 3 पर, ओके। मीन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, 3 पर वैल्यू है या 5, कितना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये कितना है 5। इस 5 को उस वैल्यू में ऐड करना है, क्या करना है, इस 5 को उस वैल्यू में ऐड, इस 5 को उस वैल्यू में हमें क्या करना होता है ऐड, तो कितना आ गया 4367, तो ये आ रहा है 4367 जीरो पॉइंट, जो भी आंसर होता है जीरो पॉइंट करके लिखते हैं, तो ये हुआ 0.4367 और 3 से ऐड हुआ 3.4367, तो ये फाइनली लॉग 2733 का आंसर, ये क्या है लॉग किसका 2733 का आंसर। दोबारा मैं बता दूं, सबसे पहले एक के बाद पॉइंट लाना होता है, क्या करना होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, फिर अगर कोई 10 की पावर आ रही हो तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, लॉग 10 होता है, पावर आ गया आगे। हाँ, इसमें कैसे करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं स्टार्टिंग का, इस पेयर का पहली डिजिट पे देखते हैं, जैसे 27 का 3 पर देखा तो 4362 आया, अगर एक को डिजिट है तो वो मीन डिफरेंस में देखेंगे। दोबारा बता दूं, यहाँ पे राइट में मीन डिफरेंस होता है लॉग टेबल में, किस पे देखेंगे, मीन डिफरेंस पे, मीन डिफरेंस पे जो भी वैल्यू होगी 27 का, ठीक है, 3 पर, उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं ऐड, क्या कर देते हैं यहाँ पर ऐड, और जैसे ही ऐड करा उसको ये हो गया 4367, और 3 पहले से चल रहा था तो 3.4367, ये लॉग 2733 का आंसर। अब इसी टाइप्स की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे, नेक्स्ट जैसे कि ये ले लेते हम क्वेश्चंस रैंडमली। कभी ऐसे मिलवा लो लॉग, मान लो 48/5, ठीक है, लॉग 48/5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें था लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस लॉग b, इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो लॉग a अपॉन b का, a अपॉन b, लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस लॉग b, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको इजी करने का तरीका देखो, आप अलग अलग निकालोगे इसको, ऐसे लगाओगे लॉग a माइनस लॉग b, फिर यहाँ पे डबल लॉग निकालना पड़ेगा दो दो बार, कैलकुलेशन बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, तो ऐसे ना करके सिंपल से क्या करो, लो पहले डिवाइड कर लो इसे, 58 को 5 से, सॉरी 48 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 9 जा 45, 3 0 5 6 जा 30, तो ये डायरेक्ट आ रहा है लॉग 9.6, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम एक के बाद पॉइंट लगते, पावर आती है, फिर उसको सोल्व करते, फिर इसको भी सोल्व करते, फिर दोनों को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, एक के बाद हमें पॉइंट चाहिए होता है वो पहले से आ गया है, एक के बाद पॉइंट चाहिए होता है वो हमें पहले से ही मिल चुका है, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, तो किस पे देखेंगे, जीरो पे, तो 96 का जीरो पे देखना है। पहला हमारी ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पॉइंट को एक डिजिट के बाद लाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक डिजिट के बाद आ रहा है, सारा टाइम बच गया, 96 का जीरो पर देखो, एंड 96 का अगर हम जीरो पर देखो, 96 का जीरो पर, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 96 का जीरो पे 9823, ये रहा 9823, कितना आया 9823, और जो भी आंसर आता है वो हम जीरो पॉइंट करके लिखते हैं, जो भी आंसर आता है जीरो पॉइंट करके, तो इसका आंसर है 0.9823। अगर देखो उससे करते तो कैलकुलेशन बड़ी होती, आंसर तब भी यही आता। नेक्स्ट सपोज ऐसे लिखा है लॉग 9.99 × 10^2, ठीक है, इस टाइप से, तो ये देखो पहले हमें एक के बाद पॉइंट है, सिर्फ सिंपली आइडेंटिटी लगेगी लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, देखो इसमें लग जाएगा 2 log 10, पावर आ जाती है, log 10 1 होता है, तो सिंपली सा 2 आ गया। अब अगर मैं लेफ्ट वाले की बात करूं, ठीक है, लेफ्ट वाले की बात करूं, यहाँ पे पॉइंट एक के बाद पहले से ही है, सिर्फ 99 का किस पे देखना है, 9 पर, 99 का अगर हम 9 पर देखें, 99 का अगर हम 9 पे वैल्यू
फाइंड आउट कर लें। 99 का 9 पे वैल्यू जो है वो आ रही है 9996, कितना आ रहा है 9996, 9996, 0 पॉइंट करके लिख लेते हैं, 0.9996, तो ये कितना आ गया 2.9996 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे पहले चलो ले लेते हैं। तो ये थोड़ा क्लियर वाला मैं लोग यहाँ पे कर देता हूँ जो इजीली आपको दिखे। ठीक है, उसमें आई थिंक शायद थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वैसे भी आपकी टेक्स्ट बुक पे होता ही है। अब अगला सपोज करो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ले लेते हैं लॉग 8। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में बच्चों को थोड़ी सी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं, हमारा देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, पॉइंट को एक के बाद लाते हैं, किसके बाद, पॉइंट को एक डिजिट के बाद। 8 का मतलब क्या होता है, 8.00, वही तो था ना, 8 रुपए जैसे लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। तो बस लॉग 8 का मतलब क्या है, 8.00, और हमें क्या करना था, इस पेयर्स का इस पर देखना होता है, पेयर्स का। ठीक है, तो 80 का 0 पर, 80 का 0 पर, इसमें तो 80 है नहीं, 80 वाला टेबल आ गया, 50 तक है। 80 का अगर मैं 0 पर देखूं, 80 का 0 पे आ रहा है 9032, कितना आ रहा है 9032, 9032, और रूल बोलता है कि, और ट्रिक जो है 0 पॉइंट करके लिखते हैं, ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर। सिमिलरली अगर देखो लॉग 5 का निकाले, 5 का मतलब क्या है, 5.00, तो इसका मतलब 50 का किस पे निकालना है, 0 पर, और 50 का 0 पर देखो ये ना, 50 का 0 पर 6990, कितना है 6990, 6990, और जो भी आंसर होगा 0 पॉइंट करके लिखेंगे, 6990। देखो ये दिखा भी देते रहो, एरा 50 का जो पर 6990। ठीक है, इसी टाइप से और भी देख लेते हैं, जैसे आ जाता है लॉग 53.1। अब इसका लॉग कैसे निकालोगे, हमारे ट्रिक क्या है कि पॉइंट को पहले एक के बाद लाना है, एक के बाद लाना है, अभी दो के बाद है, तो पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊं तो ये बनेगा लॉग 5.31 × 10^1, 5.31 × 10^1। इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो log a into b जो कि होता है log a plus log 5.31 plus log b, b कितना है 10। अब देखो ये कितना इजी है, log 10 तो 1 होता है, log 10 कितना होता है 1, बट हमें सिंपल सा करना है इसका आंसर, बस 53 का किस पे देखना है 1 पर, 53 का किस पे देखना है 1 पर, 53 का 1 पर ये रहा, ये 0 पर होता है 1, 7251, 0 पॉइंट करके लिखते हैं, और log 10 कितना होता है, प्लस में 1 भी चल रहा है, तो फाइनली आ गया 1.7251, 1.7251। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने करी, अभी एक दो और कर लेते हैं। ठीक है, मीन डिफरेंस को क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है, मीन डिफरेंस को क्या करा जाता है, ऐड, अगर चीज में आगे एक और डिजिट होती है। नेक्स्ट, इसे नोट करो, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, जैसे कि लॉग 40 और एक को ले लेते हैं लॉग 5.111। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 40 रूल बोलता है कि एक के बाद पॉइंट लाऊं, 4 × 10^1, या सुनो लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये तो हो गया वन डायरेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया वन,
ये क्या है लॉग फोर? लॉग फोर का मतलब क्या होता है? अभी अभी तो बताया है, लॉग फोर का मतलब क्या है? 4.00। इसकी या तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद होनी चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई है, नहीं भी पता नहीं याद तो आप इसका मतलब क्या है कि 40 का किस पे देखना है हमें? जीरो पर। किस पे देखना? 40 का जीरो पर, कि पेयर बनाते हैं 4 और 4.00 एक ही 4 ही होता है, उसका मतलब 40 का जीरो पर। तो 40 का जीरो पर देखना है हमें, 40 का जीरो पर देखो तो यह है 6021। 6021 कितना है? 6021। 6021 जो भी होता है आंसर, 0 point जो भी आंसर होगा 0 point करके लिखते हैं। सपोज करो ये वैल्यू ऐसे होती है 0.0021 होता तो भी हम 0 point करके ही लिखते हैं, ठीक है। 0021 होता तब भी 0 लिखते हैं, और 0009 सपोज करो होता है तो भी हम इसे 0 point आगे डालते हैं, ठीक है। टेबल से वैल्यू आई है 6021 तो पॉइंट करके लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करो क्योंकि 1 वैल्यू 10 से ही, तो 1.6021। नेक्स्ट लो 5.111। तो इसके बाद इसमें तो पहले से एक के बाद पॉइंट है, इसको साइड कर लेता, ठीक है। इसमें तो पहले से एक के बाद पॉइंट है तो 51 का 1 पर देखना है, 51 का 1 पर। अगर हम 51 का 1 पर देखें, ये 0 पर होता है 7084। अगर ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं भी दिख रहा तो टेबल आपके पास है, गूगल पे हर जगह मिल जाता है, वहां पे सर्च मार के डाउनलोड करके देख सकते हैं टेबल। 51 का 1 पर 7084 कितना आ रहा है? 7084। फिर उसके बाद एक और 1 है, तो वो कौन सा 1 है? वो मीन वैल्यू 51 का 1 पर। इस बार मीन डिफरेंस जो होता है वो देखना है। अब मीन डिफरेंस कितना है 51 का, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, मीन डिफरेंस आ गया। वन, वो भी 1 है। उस 1 को क्या करते हैं? मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं, मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो 7084 था, अब कितना हो गया 7085। मीन डिफरेंस को ऐड करने पे देखो आंसर पे थोड़ा बहुत फर्क आता है, पॉइंट के तीसरी डिजिट पे, पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट पे फर्क पड़ता है, पर तब भी आना चाहिए निकालना, ठीक है। वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चेक होती है, तो ये आंसर कितना हुआ 0.7085। फाइनली ये इसका आंसर 5.111। कहने का मतलब क्या था देखो, अगर मैं मीन डिफरेंस को 1 को ऐड भी नहीं करता तो आंसर हमारा आता 7084, और मीन डिफरेंस को ऐड करना तो 7085। मीन डिफरेंस का इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैक्सिमम चेक करी जाती है और वो दोनों सेम आएगा अगर आप मीन डिफरेंस को ऐड करो और ना भी करो, पर फिर भी आना चाहिए कि कोई पूछ ले बताओ इसका अगली डिजिट का यहाँ पर देखेंगे तो उसका मीन डिफरेंस पे देखते हैं, और मीन डिफरेंस पे जो देखते हैं उसको ऐड कर देते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दे देते हैं, लॉग 99/8, लॉग 100/9, लॉग 0.123×10^6। तो ये तीनों को प्रॉब्लम है होमवर्क में, इसको सिंपल सा डिवाइड करना और डायरेक्ट लॉग सॉल्व करना, अलग अलग मत करना, अलग अलग में काफी बड़ा हो जाएगा आंसर, वहां से भी आ जाएगा। इसको भी सिंपल से डिवाइड करना, डायरेक्ट एक के बाद पॉइंट मिलेगा। इसको देखो पॉइंट हमें एक डिजिट के बाद चाहिए होता है, यहाँ पे 0 एक के बाद नहीं है, 0 कंसीडर नहीं होगा, हमें पॉइंट को कहाँ ले जाना है 1 के बाद, तो 1.23 और पावर जो भी हो जाएगा कितना हो जाएगा 5। फिर देन सॉल्व करके आंसर बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा लॉग, लॉग कैसे सॉल्व करते हैं टेबल की हेल्प से, और डिफरेंट डिफरेंट लॉग वैल्यूज और कुछ लॉग की आइडेंटिटीज जो हमने आज यहाँ पर सीखी है। तो अगले लेक्चर में हम एंटी लॉग को सीखेंगे और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग तो सिंपल था, एंटी लॉग 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंटी लॉग एंड नेगेटिव एंटी लॉग, दोनों ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसे आप नोट करें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।